क्वेश्चन नंबर वन, बेवकूफ की टी शर्ट कैसी होती है। नंबर टू, टी शर्ट का प्रिंट कैसा होता है। नंबर थ्री, धोने के बाद टी शर्ट का प्रिंट रहता है कि नहीं रहता है। नंबर फोर, टी शर्ट अफोर्डेबल है कि नहीं। नंबर फाइव, टी शर्ट ड्यूरेबल है कि नहीं। और ना जाने क्या क्या होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना। सो डोंट वरी, मैंने मंगाया बेवकूफ की टी शर्ट, करूंगा इसको अनबॉक्स और रिव्यू और आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, मेरा नाम है पुनित सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिफोर यू बाय में, जहां आप जान सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपको खरीदना चाहिए या नहीं, आपके वर्थ है भी या नहीं बिना उसे खरीदे। सो आज है बिफोर यू बाय अ बेवकूफ टी शर्ट। तो इनिशियल लुकिंग में ये पूरा पैकेज एक ट्रांसपेरेंसी लेयर से पूरा सील्ड हुआ हुआ है। चारों तरफ से इसको अच्छे से प्रॉपरली सील्ड किया हुआ है, कहीं भी ऐसा कोई कटा हुआ या कुछ निशान नहीं है, तो कोई गड़बड़ का तो कोई चांस ही नहीं है। अब मैं आपको फ्रंट में बताऊं तो फ्रंट में एक बेवकूफ की ब्रांडिंग की हुई है और पीछे मेरे ऑर्डर का ये डिटेल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैंने टी शर्ट ऑर्डर की है। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो चलिए अब इसकी मैं सील तोड़ता हूं। इसको रखता हूं साइड में। है तो ये एक प्रॉपर एक चार्ट पेपर जैसा ही पैकेजिंग मटेरियल है। और ये है हमारी टी शर्ट। बस और कुछ भी नहीं है, खाली है। इसको भी रखते हैं साइड में। अब बढ़ते हैं टी शर्ट में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि टी शर्ट यहाँ पे आ गई है निकल के बॉक्स में से। सो चलिए इसको फर्दर खोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सल साइज में मंगाया है और यहाँ पे बेवकूफ की ब्रांडिंग है। प्रिंट क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। ये एक अंदर से एक ये बॉक्स, बॉक्स तो नहीं है ये, ये एक है। अच्छा एक ये भी चीज निकली है। जा अपना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। चलिए इसको मैं बाद में बात करता हूँ, इसको साइड में रखता हूँ। तो टी शर्ट कुछ इस तरह से है, ये मैंने मंगाई है काफ़ी आलसी प्रिंट में। और देख सकते हो कितना क्रिस्प कलर है, कितना क्रिस्प प्रिंट है। तो लुक वाइज तो एकदम अच्छी सी लग रही है। अब टी शर्ट की क्वालिटी के बारे में बात करूं तो ये टी शर्ट 100% कॉटन है, स्किन फ्रेंडली है और 180 GSM है। अब जिनको GSM मतलब नहीं पता, GSM का मतलब ये होता है कि 1x1 meter का फैब्रिक लो, जो जिससे ये टी शर्ट बनी है, यही फैब्रिक 1x1 meter, ये फैब्रिक का वेट 180 ग्राम होना चाहिए। अगर तो 180 ग्राम आता है तो ये बहुत ही ऑप्टिमम रेंज मानी जाती है और बेवकूफ की टी शर्टें सारी 180 GSM की ही होती है। तो टी शर्ट के बारे में मैं आपको अगर बताऊँ तो यहाँ टॉप से शुरू करते हैं। यहाँ नेक पोर्शन थे जहाँ पे ये बेवकूफ का टैग लगा हुआ है, एक्सेल है और ये डबल स्टिच किया हुआ है। होप सो आपको कैमरा में दिख रहा होगा। फिर ये आता है ये प्रिंट। फिर इधर ये स्लीव्स के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर से एकदम डबल स्टिच किया हुआ है। और इधर ये नीचे भी डबल स्टिच आपको मिल जाता है। बस पीछे तो कोई प्रिंट नहीं है, पीछे एकदम पूरी प्लेन है। अभी आप सबसे पहले ये मेरा नेल देखो और अब मैं आपको इसका स्क्रैच टेस्ट करके दिखाता हूं। मैं यही नेल से अपने ये प्रिंट पे एकदम लिटरली मैं ये स्क्रैच कर रहा हूँ, एकदम हार्डली आई एम प्रेसिंग, पर प्रिंट इसका कुछ खराब नहीं हो रहा, प्रिंट जैसे का तैसे ही है।
तो प्रिंटिंग तो बहुत अच्छी है, मैं आपको इधर सामने से भी दिखा देता हूँ, देख लो कुछ भी ऐसे स्क्रैच का निशान नहीं है, प्रिंट जैसा का जैसा ही है। तो प्रिंट तो एकदम बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल है, प्रिंट इसका नहीं जाने वाला। तो अब मैं टी शर्ट के डिलीवरी टाइम के बारे में बात करूं, तो ये टी शर्ट मैंने ऑर्डर की थी 29 अगस्त को और ये मुझे डिलीवर हुई है 5 सितंबर को। तो टी शर्ट शिप तो मुझे 3 सितंबर को हो गई थी, तो 2 दिन में मुझे फ्रॉम मुंबई टू सूरत डिलीवर हो गई थी। पर आप पूछोगे तो 5 दिन कहाँ लगे, तो 5 दिन हो सकता है कि टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगे हो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं अपने बेवकूफ ऐप में डिजाइन ऑफ द डे सेक्शन में टी शर्ट डिस्प्ले तो कर देते हैं, फिर जैसे जैसे लोग ऑर्डर करते तो ये प्रिंटिंग के लिए मैन्युफैक्चर करते होंगे, तो मे बी वो 5 दिन उसमें लगते होंगे। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो फिर आप ये टी शर्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो अब बात करता हूँ ये टी शर्ट की प्राइसिंग की। तो ये टी शर्ट मैंने मंगाई है सिर्फ 260 रुपीज में। कैसे मंगाई बताता हूँ, बेवकूफ ऐप में जाइए, वहां पे डिजाइन ऑफ द डे सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको एवरी डे कुछ ना कुछ अपडेटेड डिजाइन मिलेंगे। ये लोग क्या करते हैं, हर 3 बजे एक ना एक डिजाइन लॉन्च करते हैं डिजाइन ऑफ द डे सेक्शन में, वहां पे आप वो टी शर्ट सिर्फ 260 रुपीज में ऑर्डर कर सकते हैं, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। अगर आप गर्ल की टी शर्ट लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हैं, बॉयज की लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। अब अगर तो आपको डिजाइन पसंद है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा तभी ले ले, वेट ना करें। अक्सर होता क्या है कि जैसे मान लो आज डिजाइन आया, आपको पसंद भी है पर आप कहीं ना कहीं बिजी थे, तो आपने सोचा कि चलो मैं बाद में ऑर्डर कर लूंगा और वो रह गया आपके दिमाग से, निकल गई बात, और कल 3 बज गए नया डिजाइन आ गया, आपको फिर क्लिक होता है अरे यार वो टी शर्ट ऑर्डर करनी है, आप वापस बेवकूफ में जाते हो। तब होगा क्या, या तो वो टी शर्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई होगी या वो टी शर्ट के प्राइस बढ़ गए होंगे। प्राइस कितने बड़े होंगे, 299 399 या इवन 450 तक भी जा सकते हैं। तो अगर आपको टी शर्ट पसंद है तो उसे तभी ऑर्डर कर लीजिए। अब मैं अब ये टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई इसकी बात करूं, तो ये टी शर्ट भी मैंने 260 रुपीज की ही डिजाइन ऑफ द डे के स्लॉट से ही खरीदी थी। और आपको एक फैक्ट बता दूं, ये टी शर्ट को हो गए हैं ऑलमोस्ट 2 साल और इसका प्रिंट बिल्कुल भी नहीं निकला है, कहीं से भी चिप ऑफ नहीं हुआ, प्रिंट जैसे का तैसा ही है और मैंने इसको बहुत बार पहना है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो उसे जल्द ही खरीद सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो फिर वेट कीजिए, नेक्स्ट कोई डिजाइन है तब लीजिए। बेवकूफ ब्रांड की एक बहुत अच्छी सी बात है कि अपने हर टी शर्ट के साथ कुछ ना कुछ फ्रीबीज जरूर बेचते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे फ्रिज मैग्नेट्स मिले हुए हैं, ये डायरिया मिली हुई है और आज के प्रोडक्ट के साथ ये मुझे एक फ्रीबी मिला हुआ है, मेरे को लग रहा है इसके अंदर स्टिकर ही होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे फ्रीबी मुझे एक ही टी शर्ट के साथ नहीं मिले हैं, ये एक टी शर्ट के साथ एक ही फ्रीबी आता है और रैंडमली कुछ भी आ सकता है। ये तो मैंने पास्ट में काफ़ी सारे टी शर्ट ऑर्डर किए हुए थे तो मुझे ये इतने मेरे इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं आपको डायरी के बारे में बताऊँ तो डायरी कुछ ऐसी है, कोई फैंसी पेजेस नहीं है, सिंपल से पेजेस हैं पर क्वालिटी अच्छा है पेपर का, कुछ 15 से 20-30 पेजेस होंगे और कुछ जो भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हों, शॉर्ट नोट्स हो, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर ये फ्रिज मैग्नेट है, पूरा पीछे मैग्नेट है। और आज के फ्रीबी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कुछ ऐसा है, ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, हाँ स्टिकर ही है इसमें, इसको खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर, कौन सा स्टिकर है, रहने दो मैं नहीं बोलने वाला, अंदर ही इसको रख देता हूँ। सो फाइनली व्हाट टू डू, पिक और किक, क्या करें, ले कि ना ले। सो मेरे हिसाब से ये टी शर्ट को डेफिनेटली ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 260 रुपीज़ में आपको एक टी शर्ट मिल रही है, सालों साल आपकी टी शर्ट निकलेगी और इतने अच्छे डिजाइन है, तो डेफिनेटली आप इसे लीजिए, कोई दो राय मत रखिए, कुछ सोचिए मत, डेफिनेटली ले सकते हैं। हाँ अगर आपको ये कंसर्न है कि टी शर्ट बड़ी छोटी निकल गई या कुछ मेरे को पसंद नहीं आई तो आप इसे रिटर्न भी कर सकते हैं, जिस मोड में आपने पेमेंट किया होगा वही मोड में आपको पेमेंट वापस भी आ जाएगा, उसमें भी ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बेशक आंख बंद करके आप ये टी शर्ट ले सकते हैं। बस तो फिर आज के वीडियो में इतना ही,
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करते हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बाय द वे आपको एक बात बताऊँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर कुछ सजेशंस हो कि मैं क्या और इम्प्रूव करूँ तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर कुछ और क्वेरी हो जो मैं आपको वीडियो में ना बता पाया हूँ तो वो भी नीचे पूछ लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।